Hello kids, how are you all? In this video, we will learn A to Z how to write in a four line. So let's start our video. आज हम पढ़ेंगे कैपिटल वी एंड स्मॉल वी. कैपिटल वी कैसे लिखते हैं, स्मॉल वी कैसे लिखते हैं, पहले कैपिटल वी देखते हैं. दोनों भी सेम है बट एक आपको लाइन का सिर्फ ध्यान देना होगा. ओके, तो कैपिटल वी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेड लाइन से. कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेड लाइन से. ओके, इसमें आपको सिर्फ स्लाइंटिंग लाइन बनानी होती है, रेड से सेकेंड ब्लू लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन. ओके, एंड देन सेकेंड ब्लू लाइन से रेड लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन. तो ये हो जाता है हमारा कैपिटल वी. तो इसमें क्या बनाना होता है, हमें सिर्फ दो स्लाइंटिंग लाइन बनानी होती है, रेड से सेकेंड ब्लू लाइन, फिर सेकेंड ब्लू लाइन से रेड लाइन. ओके, अब स्मॉल वी देखते हैं. स्मॉल वी भी सेम है, लेकिन स्मॉल वी किस में बनेगा, दोनों भी ब्लू लाइन के बीच में. तो शुरुआत कहाँ से होगी, फर्स्ट ब्लू लाइन से स्टार्ट होगी, सेकेंड ब्लू लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन आएगी. ओके, देन सेकेंड ब्लू लाइन से फर्स्ट ब्लू लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन जाएगी. तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल वी. स्मॉल वी भी इजी है ना, सिर्फ स्लाइंटिंग लाइन बनानी है. कहाँ से, फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन, फिर सेकेंड ब्लू लाइन से फर्स्ट ब्लू लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन. तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल वी. अब दोनों को साथ में लिखते हैं. कैपिटल कैसे लिखेंगे, कहाँ से, रेड लाइन से. रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक एक स्टैंडिंग स्लाइंटिंग लाइन, देन फिर सेकेंड ब्लू लाइन से रेड लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन. ये हो जाएगा हमारा कैपिटल वी. स्मॉल वी, फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन, सेकेंड ब्लू लाइन से फर्स्ट ब्लू लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन. ये हो गया हमारा स्मॉल वी. सो बच्चों, आपको समझ में आया कैपिटल वी कैसे लिखना है, स्मॉल वी कैसे लिखना है, तो नोटबुक में भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी समझ में आ जाएगा अच्छे से, बहुत इजी है. तो चलो बच्चों, अब हम नोटबुक में लिखते हैं कैपिटल वी एंड स्मॉल वी. कैपिटल वी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेड लाइन से. रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन, फिर उसके बाद सेकेंड ब्लू लाइन से एक रेड लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन अपवर्ड. तो हो जाएगा कैपिटल वी. स्मॉल वी, फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन, देन सेकेंड ब्लू लाइन से फर्स्ट ब्लू लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन. तो ये हो गया हमारा स्मॉल वी. इजी है. अगेन रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन, देन फिर सेकेंड ब्लू लाइन से रेड लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन अपवर्ड. ये हो गया हमारा कैपिटल वी. स्मॉल वी, फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन, देन सेकेंड ब्लू लाइन से फर्स्ट ब्लू लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन. तो हो गया स्मॉल वी. सो बच्चों, इजी है ना कैपिटल वी एंड स्मॉल वी. यस. सो अब यहाँ पे हम सेकेंड टाइम में मैंने आपको बताया बच्चों कहाँ से स्टार्ट करना है. अगर आपको कोई भी लेटर रेड लाइन से शुरू करनी होगी तो कहाँ से शुरू करेंगे, आप ब्लू लाइन के ऊपर वाली रेड लाइन से. ओके, रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन कैपिटल वी के लिए, एंड देन फिर सेकेंड ब्लू लाइन से रेड लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन अपर डायरेक्शन में. ये हो जाएगा हमारा कैपिटल वी. स्मॉल वी, फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन, देन सेकेंड ब्लू लाइन से फर्स्ट ब्लू लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन. ये हो जाएगा हमारा स्मॉल वी. इजी है. कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ब्लू लाइन के ऊपर वाली रेड लाइन से. रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन. ओके, सेकेंड ब्लू लाइन से रेड लाइन तक एक स्लाइंटिंग लाइन अपवर्ड. ये हो गया हमारा कैपिटल वी. स्मॉल वी, फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक, सेकेंड ब्लू लाइन से फर्स्ट ब्लू लाइन तक. ये हो गया हमारा स्मॉल वी. इजी. सो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कैपिटल वी कैसे लिखना है, स्मॉल वी कैसे लिखना है. सो आपको मैंने जैसा बताया आप वैसे ही लिखिए. कैपिटल वी एंड स्मॉल वी आपको भी लिखने आ जाएगा. आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है बच्चों तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए. ओके, बाय बाय.